उज्जैन के माधव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में शुक्रवार को छात्रों द्वारा जमकर हंगामा मचाया गया। इस दौरान कॉलेज की खिड़कियां, फर्नीचर और कुर्सियों को तोड़ा गया। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक तोड़फोड़ करने वाले छात्र कॉलेज से जा चुके थे। पूरे मामले में प्राचार्य ने अज्ञात युवकों के खिलाफ जीवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उज्जैन के शासकीय माधव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक बार फिर से छात्र राजनीति गर्मा गई है। दो छात्र गुटों के बीच की स्पर्धा में शुक्रवार को राम जनार्दन मंदिर के समीप स्थित कॉलेज में जमकर हंगामा मचा। छात्रों ने आपा खो दिया और कॉलेज का फर्नीचर, कुर्सी और खिड़कियों के कांच तोड़ फोड़ दिए। तकरीबन एक घंटे तक कॉलेज में हड़कंप मचा रहा और हंगामा होता रहा। तोड़फोड़ के बाद युवक मौके से रफू चक्कर हो गए। सूचना मिलते ही जीवाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। प्राचार्य द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायती आवेदन थाने में दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि प्राचार्य द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत आवेदन दिया गया था, जिस पर से अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना जीवाजीगंज के अंतर्गत एक कॉलेज जो माधव कॉलेज है, वहाँ पर कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ की जो इरेगुलरिटीज़ को लेकर के कुछ हंगामा किया था। इसको लेकर के एक जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन पत्र है, वो वहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल के द्वारा थाने पर दिया गया है और उसके आधार पर एक तोड़फोड़ और हंगामा करने का मुकदमा दर्ज हुआ है और वहाँ के जो फुटेज है, वहाँ के जो वीडियोग्राफी है, उसको पूरा कलेक्ट किया गया है और जो भी लड़के हैं उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि माधव कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोफेसर की एक अनुशासन समिति बनाई गई है, जो कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में काम करती है। लेकिन शुक्रवार को ही घटना के दौरान समिति का एक भी सदस्य प्रोफेसर सामने नहीं आया। हंगामा इतना बढ़ गया था कि कॉलेज के अन्य प्रोफेसर भी अपने कक्ष से बाहर नहीं आए, जिसका खामियाजा उन विद्यार्थियों को उठाना पड़ा जो हंगामा कर रहे विद्यार्थियों के साथ शामिल नहीं हुए थे। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडपाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।